हेलो जी, वी आर फाइनली बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी जो है वो हम लोग हैं शारदा में, शारदा कश्मीर में मतलब। तो आज जो है वो हम लोग का समझो भाई लास्ट दिन है यहाँ पे शारदा में। आज हम लोग यहाँ से चेकआउट कर लेंगे होटल से। दो कमरे एक साथ हैं, ये एक साथ हैं, एक चाचू लोग हैं, एक चाची की बहन लोग हैं, ये लोग सारे मिलके रह रहे हैं। और यहाँ पे मामू लोग की फैमिली और हमारी फैमिली है, ये भी हम दोनों मिलके रह रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे आके ना गुजारा लाग भी करना पड़ता है भाई। मैंने जो सुना है ना वो ये सुना है, ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, ये पहाड़ जब खत्म होता है ना तो इसकी जो बैक साइड वाला पहाड़ है ना, बिल्कुल बैक साइड वाला, वो है इंडिया का। इसी तरह ये समझो, ये बता रहे कि जितने भी ये पहाड़ आ रहे हैं ना, ये सारे आ रहे हैं, इनकी बैक साइड लग जाती है इंडिया लग जाती है। तो ये मतलब अगर तो हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, और वहाँ से उन्होंने बोला है कि आप लोगों को वहाँ पे इंडिया की सरहद पे आपको वहाँ पे फौजी मिलेंगे लास्ट। तो लेकिन वहाँ जाने के लिए ना आपको ये चीज़ पार करनी पड़ेगी, और ये चीज़ जो है ना, ये किसी के वालिद साहब भी पार नहीं कर सकते। हाँ, आप एक चीज़ से जा सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई जिप लाइन आ जाए या कुछ भी लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, वरना ऐसे बंदा पैर स्विमिंग करके नहीं जा सकता, क्योंकि भाई पानी की रफ्तार इतनी है ना, आप पैर ही डालोगे ना वो आपको डायरेक्ट यहाँ से कराची लेके जाएगा। अरे हाथ में दर्द हो गया यार, तुम लोग जल्दी सब्सक्राइब करो। देखो तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये देखो हाथ में दर्द हो रहा है। सुबह सुबह उठ के तुम लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, सब्सक्राइब करवाने को बोलना हो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए तुम लोगों को। सिर्फ सब्सक्राइब करो, और जो लाल बटन है ना उसको दबा दो, उसको दबा दो, सब्सक्राइब करो और एक लाइक करो। दिल करे तो कमेंट करो, नहीं करे तो कोई मसला नहीं। कराची जो आते हैं ना यहाँ पे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा ना लूटते हैं, काफ़ी ज़्यादा ना है मतलब। देखा जाए तो अभी हमने कल रात को खाना खाया, तो हमने यकीन करो दो दाल मंगवाई है और एक कढ़ाई मंगवाई, मतलब हम सबने मिलके खाई। टोटल आई हो कि आई थिंक दो कढ़ाई आई और बाकी ना पांच दाल आई। तो उसमें ना उसने बस दाल के जो पैसे थे ना, हमने दो दो प्लेट मंगवाया, उसने बोला भाई एक प्लेट जो है वो 300 रुपये। हमने दो दो प्लेट मंगवाया, वो तो 600 बनते, जिसको वो 1800 रुपये लगा कर आते। बड़ी मतलब यहाँ पे मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को आना है तो आप यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट के टिन लाजमी लेकर आओ। मैंने तुम लोगों के लिए नीचे आया, और मैंने नीचे आने के बाद मैंने बोला चलो तुम लोगों को नीचे से भी व्यू दिखाऊँ मैं। हल्का हल्का पानी आ रहा है, देखो सी व्यू वाला माहौल आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ये किसने लिखा भाई, सब्सक्राइब शेक्स मिनी वर्ल्ड, ओ माय गॉड, ये किसने लिखा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये। मुझे लग रहा है यहाँ के शहरी जो है ना, उन्होंने लिखा होगा। खैर क्या पता, वो भी चाहते होंगे कश्मीरी लोग भी ये देखें भाई, यहाँ के व्लॉग देखें। तो तुम लोग भी देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो थ्री इडियट्स के, थ्री इडियट्स में जब वो लोग तीनों ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनमें से जो फरहान होता है, हाँ, वो ग्रेजुएशन के बाद ऐसा लगता है। रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया है, और हम लोगों का जो है वो नाश्ता हमने नहीं किया था, तो अभी नीचे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया, नाश्ता बन रहा है। और ऊपर ही भाई ये देखो, स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हो गई, ये देखो ये बंक मार के बैठा हुआ हमारी तरह। अभी जो है वो यहाँ जो हम ऊपर चढ़े, और यहाँ पे हमने व्यू देखा यार, कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखो यार तुम लोग ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग का जो है सफ़र जो है वो तकरीबन समझो 6 से 7 घंटे का है, तो इस वजह से हम लोग छोटे छोटे बीच में पॉइंट जो हैं जो हमने आते हुए कवर नहीं किए थे, तो वो अब कवर कर रहे हैं। तो एक उसमें से ये वाला पॉइंट रह गया था बस। अच्छा तुम लोग भी सोच रहे होगे, तो हम लोगों ने सिर्फ ये ना पानी 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 और बाहर दिखा रहे हैं यार। कश्मीर जो है ना वो बेसिकली ऐसा ही है कि पहाड़ पानी ये चीज़ें हैं। मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, अब मैंने पूरा कश्मीर नहीं घूमा है,
अब इंशाल्लाह जब पूरा कश्मीर घूमूंगा तब मैं तुम्हें इसका अच्छा थॉरली बताऊंगा तुम लोगों के क्या है यहाँ का सीन ये वो। तो अब तक जितना भी घूमा है ना वो सारा पानी है। तो व्यू दिखाया, अभी हमने सोचा है कि यहाँ पे जो है वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए, तो हम लोग जो है वो सबको एक एक बारी देंगे और देखते हैं किसका दूर सबसे ज़्यादा पत्थर जाता है, तो वो चेक करते हैं। तो सब एक एक पत्थर उठा लो, एक एक तो मैं मुझे कोई ना अच्छा सा देखना पड़ेगा। ये वाला, ये मेरा हो गया। 1 2 3 गो। ओह वहाँ गिरा है, वो बहुत दूर वहाँ पे। अब जवार की बारी। ये क्या है, ये तो बम फूस निकला। Women. ये सोआ का जा रहा है, नजर ही नहीं आया कहाँ गया है। मैंने देख लिया, तो सबसे ज्यादा दूर जो गए वो इजान का गए। A few inches later. सफ़र अच्छा खासा चल रहा था और वहाँ पे हमारी कोस्टर रुक गई, क्योंकि आगे हमने सुना है कि आगे चल रहा है भाई रोड की जो है वो ब्लास्टिंग चल रही है। तो ब्लास्टिंग तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे देखा जाए। मेरा ज़्यादा ख्याल है वो ये सीन है, आई थिंक रोड पे माल डल रहा है, तो लेट्स सी देखो क्या होता है, चल के देखते हैं। आगे नहीं जाना। अच्छा वैसे आगे हो गया रहे, आगे नहीं जाना। अच्छा लैंड स्लाइडिंग हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, सही है। मतलब यहाँ पीछे जो है ना वो हो रहा है काम, ऊपर पहाड़ पे तो पत्थर वत्थर आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं पहले समझा लैंड स्लाइडिंग हो रही है ये। तो ये मतलब ब्लास्टिंग का मतलब ये है कि ऊपर से ऊपर काम होता है तो नीचे चीज़ें जो आती है ना वो ब्लास्टिंग कहलाती है। खैर अभी यहीं पर ही भाई वेट करेंगे। अभी हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर नीलम में, और यहाँ पे भाई शाम का टाइम हो रहा है और ख़ूबसूरत जगह है बिल्कुल। अभी पूरी फैमिली जो है वो, ये हट है, इसकी बैक साइड पे पूरा एक ग्राउंड बना हुआ है, पार्क है। मतलब कि अगर तो मैं बोलूँ को अगर तुम लोगों ने शुहरान देखा है ना, बिल्कुल उसकी तरह ही है। और सबसे ऊपर है पहाड़ी पर, हम लोग बिल्कुल नीचे से हैं। वापसी में तुम लोगों को इसका रास्ता इंशाल्लाह दिखाऊँगा, अभी मैंने बनाया नहीं क्योंकि यार मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी इस वजह से, तो अभी वापसी में दिखाऊंगा। अभी तुम लोगों को जो है यहाँ का जो पूरा व्यू है ना वो चल के दिखाता हूँ। अभी मैंने उज़ैर भाई को अपने साथ लेकर आया हूँ, और यहाँ पे ना भाई के पास आए हुए फ्राइज़ खाने के लिए, तो फ्राइज़ ऑर्डर दिए हमने भाई, फ्राइज़ और चाय फ्राइज़ मंगवाए हमने, चाय फ्राइज़। मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई, इनसे समझ लो ना ये इनका दिमाग। मैं यहाँ का सीन बताता हूँ, तो भाई सामने वाली जो पहाड़ी तुम लोग देख रहे हो ना, ये पूरी है भाई इंडिया की। ये पीछे पूरी देख रहे हो, ये पूरी इंडिया की है, और यहाँ जो जिस साइड पे हम खड़े हैं वो है भाई पाकिस्तान की। ये वाली भी इंडिया की है, ये भी देख सकते हो पूरी इंडिया की है ये। नीचे जब हम नीचे से ऊपर आए थे ना, तो हमें इंडिया का एक बाकायदा बहुत बड़ा एक फ्लैग भी दिखा था, जो मैंने कैप्चर नहीं किया,
तो वो वापसी में कोशिश करते हैं, अगर दिखेगा तो करेंगे। खैर यहाँ पे जिस तरह मैंने तुम लोगों को बताया था, शुक्रान की तरह पूरा मतलब छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बस ये है कि हम आके ये चीज़ें देखें और थोड़ा इन्जॉय करें। थोड़ा सा वक्त रह गया था तो मैंने सोचा यार क्यों ना यार थोड़ी हॉर्स राइडिंग की जाए, तो अभी हॉर्स राइडिंग चल रही है। पीछे उज़ैर भाई भी हैं मेरे, वो भी कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग, हम भी कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग फुल। गाड़ी का स्टीयरिंग मेरा ये रहा, इससे कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम बैठ रहे हैं बट कढ़ाई पे, और यहाँ पे इस्तकबाल के लिए देखो फूल फूल भी आ गए हमारे लिए। फेंकना नहीं यार, लेकिन आप फेंक दो, थोड़े थोड़े फेंक दो। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मतलब समझो हमारे जो कदम है वो बड़े लकी साबित हुए हैं, क्योंकि ये है भाई ओपनिंग है आज यहाँ की बट कढ़ाई की। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज आप लोग की ओपनिंग है, बहुत बहुत सबसे पहले मुबारक हो आपको, अल्लाह आपका कारोबार में बरकत दे, आमीन आमीन। इंशाल्लाह खाना टेस्ट करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो, जिस तरह मेहनत दिख रही है इंशाल्लाह दिखता है कि अच्छा होगा टेस्ट भी। आप तो जाएंगे रिव्यू देंगे, इंशाल्लाह देंगे, खारे वीडियो के साथ देंगे, टेंशन नहीं लेने। तो भाई अभी यहाँ पे ऑर्डर देते हैं हम लोग, और ऑर्डर देने के बाद खाना हम लोग अपना शुरू करते हैं। खाना आ चुका है हम लोगों का, और हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाई है भाई कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और इसके साथ नान आ गए। अब इसको टेस्ट करके बताते हैं तुम लोगों को कैसी है। बाकी इन लोगों ने बड़ी वीआईपी जगह पे हमें बिठा दिया, पहले हम लोग बाहर बैठे हुए थे, अब यहाँ पे बिठा दिया। अब टेस्ट करके तुम लोगों को बताते हैं कैसी है। टेस्ट में अच्छी है। कैसी है टेस्ट में? अच्छी है, बस ऐसी है, बस ऐसी है, मसाला अच्छी है, मिर्ची बहुत है। खैर हो गई तो भाई टेस्ट में अच्छी है, नो डाउट। अभी खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर इनको रिव्यू बताएंगे कि भाई इन लोगों ने कैसी बनाई है। फिलहाल हम खाना खाते हैं, और खाना वाना खा लिया, और खाने की तारीफ मैंने तुम लोगों को बता दी थी। तो भाईजान आपने जिस तरह बोला था ना उसी तरह का खाना था। बस आपको कैसी लगी? सर्विस बेहतरीन थी, बस ये बात है कि पहला दिन था थोड़ा कंजेस्टेड था तो गुजारे लाइक था, लेकिन आगे उम्मीद करते हैं अच्छी होगी इससे भी इंशाल्लाह। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छी सर्विस भी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई ने हमें दिया 5% डिस्काउंट, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह अल्लाह आपके कारोबार को बरकत देगा। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। भाई तुम लोगों को रूम टूर करवाते हैं भाई, तो यहाँ पे देख लो अभी तो फिलहाल जो है वो सो रहे हैं, बस इतना सही देख लो बस। और इसी तरीके के भाई ये भी है, ये भी है, उसके आगे वाले भी इसी तरीके का है। तो अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड करता हूँ, तुम लोग अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इंशाल्लाह कल सुबह हम 7 बजे यहाँ से चेकआउट करके यहाँ से निकलेंगे, तो उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जल्दी से जाके भाई सब्सक्राइब करके हमारे गैंग में शामिल हो जाना। मिलते हैं तुम लोगों से कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।